नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में जो केस हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो 2020 की शुरुआत में महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में घटा था। कब्र का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में यही आती है कि किसी की मौत हुई है, पर यही कब्र राज दफनाने के काम आ सकती है। ये कोई आपराधिक सोच वाला आदमी ही सोच सकता है। इस केस में भी लड़की के साथ यही हुआ। जिंदा दफनाई गई इस लड़की का राज जब एक एक कर कब्र से बाहर आना शुरू हुआ तो पूरे एक महीने तक ये मीडिया में सुर्खियां रही। जल्दी दूध पियो, कुल बनाने का टाइम है, जल्दी से खत्म करो दूध। निधि, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बस हो गया, आ रही हूँ। नो, फिर से टकरा गए। जान, मम्मी पापा का मजाक उड़ाते हो तुम। गंदी बात होती मजाक उड़ाना। दूध पी, जल्दी दूध पियो। अरे चलो, स्कूल में आगे बैठ जाओ। चलो जल्दी चलो। फाइनली हमने गुंजन को टाइम से तैयार करके स्कूल भेज दिया। हमने नहीं, तुमने। मैंने तो सिर्फ उसका टिफिन रेडी किया था। और सच में अब मुझे ना मेरी किस्मत पर यकीन हो गया कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि कुंजन और मुझे तुम मिल गए। किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है मोहतरमा, जो मुझे तुम और गुंजन मिली हो। पता, मैं सोच रहा था गुंजन को तैयार करके स्कूल भेजने में इतना टाइम लगता है तो छोटे बच्चे को संभालने में तो जान आफत में आ जाती होगी। पाप होते हुए भी मैंने उसे 8 साल तक अकेले संभाला है। घर का काम, बाहर का काम सब अकेले किया। अच्छा सुनो ना, गुंजन जब स्कूल से वापस आएगी तो काजल को मिलते हुए आएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे आते हुए अपने साथ लेकर आ जाऊँ। थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैं भी लेट हो रही, मैं चलती हूँ। चलो मैं जाती हूँ। संभल के जाना। हाँ। हेलो मैडम, आप इसे यूज करके देखें। जहाँ आपको सब्जी काटने में 1 घंटा जाता ना, इससे आप सिर्फ 5 मिनट में सब्जी कट कर पाओगे और फिर बाद में कहोगे कि काश ये प्रोडक्ट आपके पास पहले भी होता। बहनी, मनीष भाऊ घर पे हैं? कौन है रूपा? तू? तू अब क्या लेने आई है यहाँ पे? भाऊ, आपने अपने वकील से बात की मेरे हिस्से के लिए? ए जाना भाई, क्यों परेशान कर रही है मुझे? बार बार हिस्सा मांगने आ जाती है, और वैसे भी तुझे हिस्से की जरूरत ही क्या है? अच्छी खासी नौकरी कर रही है, दूसरी शादी की है, अब क्या चाहिए तुझे? मैं आपसे अपना हिस्सा मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं मांग रही हूँ। एक अपना बस, कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा तुझे, कर लेना। अरे तुम्हारे यहाँ दिखी भी ना, जान से मार दूंगा, चल निकल यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए भाऊ। आ गई मेरी बच्ची। हाँ, वो जो किचन वाला नाइफ है ना, उसका स्टॉक डबल कर दो, उसकी डिमांड फिलहाल ज्यादा है। ठीक है, मुझे जल्दी बताओ। ओके। ओरे। आ गई मेरी गुंजन, आज तेरे लिए एक सरप्राइज है। आंटी जल्दी आना। तुझे पूरन पोड़ी पसंद है ना, इसलिए मैंने तेरे लिए पूरन पोड़ी बनाई है। खा के बता कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है। चलो देखते हैं आज होमवर्क में क्या होता है।
नहीं मासिम, अभी होमवर्क नहीं। पहले हम लूडो के गेम खेलेंगे जिसमें आप हारोगे, फिर मैं होमवर्क करूंगी। अच्छा तो मुझे हराएगी? हाँ। 1, 2, 3, 4 मैं जीत गई। देखा मैं जीत गई ना? हाँ जीत गई। इतना जीत जाओगी? बस 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 अब बहुत हो गया खेलना, ये लो दूध खत्म करो। गुंजन बेटा एक बात बता, अपने नए पापा के घर जाके मौसी और आजी को भूल जाती है या हमारी याद आती भी है? नहीं बहुत याद आती है आपकी। गुंजन एक बात सच्ची सच्ची बता, तेरी आई तेरे पापा के साथ खुश है ना? बहुत 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 खुश है। अरे भाभी जान सलाम अलैकुम, आप आफ्ताब की नई बेगम है ना? आफ्ताब नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओह माफ कीजिएगा, खुदा हाफिज। नया बकरा फंसा लिया। जुबान संभाल के बात कर। क्या जुबान संभाल के बात कर? बदन में बहुत गर्मी है, हर वक्त नया मर्ज चाहिए, इसलिए डिवोर्स दिया क्या मुझे? तुझे डिवोर्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि तेरी रोज रोज की मार से ना मैं परेशान हो चुकी थी, सब कुछ अकेले संभालती थी मैं। और मुझे पता है अगर मैं पुलिस के पास नहीं जाती ना तो तू मुझे मार देता। अरे मार तो मैं अभी भी दूंगा। मेरे पैसे थे, पैसे एलिमनी के पैसे चाहिए मुझे। कहां से दूं मैं तुझे पैसा? नहीं है मेरे पास पैसे। पैसे तो चाहिए मुझे, पैसे लेके आ। तेरा वो मर्द है ना मर्द, तेरा यार, उससे पैसे लेके आ मेरे लिए, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने अपनी लुखागिरी नहीं छोड़ी ना, तो इतने में खुश नहीं है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैंने डिवोर्स तूने दिया है, बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी, काट के रख दूंगा सब। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुझसे ना मैं डरने नहीं। चल चल तुझे जो करना है तू कर। मुझे नहीं अपनी आई को पकड़ना है, पट्टी खोल के देखो आई। अच्छा तू थक गई होगी ना, जा थोड़ी देर आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तो मिसेज अर्जुन कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा लाइफ, पति देव कैसे है? अगर मुझे अर्जुन नहीं मिलते था तो मुझे लगता कि पति सिर्फ रवि जैसे जल्लाद होते हैं। अच्छा रवि से याद आया, उसने तुझे परेशान करना बंद किया कि नहीं किया? काट के रख दूंगा सब। नहीं अब वो मुझे परेशान नहीं करता है। चलो अच्छा फाइनली तुझे वो सब मिल रहा है जो तू डिजर्व करती है। सच में तेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत जल्दी काजल की भी शादी तय हो रही है, ठीक है, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं इसके लिए। अरे पर आई मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगी जो घर जमाई बनने को तैयार हो जाए। देख तुझे छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, हाँ समझ ले तू। वेड़ी है अग्दिया, कुछ भी बोलते रहती है। हाँ ऑर्डर का ना, अरे मुझे याद है याद। आई आपको पता है आज मैं लूडो खेलते समय मौसी को दो दो बार हराई। अब तुमने पूरा दिन ना बहुत मस्ती कर ली, लेकिन अब तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं आई मैं अभी होमवर्क नहीं कर रही। गुंजन मैंने कहा ना मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। चलो नहीं आई मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा ना नहीं इसमें बरसात। चले भाई जान खुदा हाफिज। ये हमारे मोहल्ले के लोग थे, ऐसी बातचीत करने के लिए चले आए थे। और बेटा काजल मौसी के मजा आया? हाँ, हाँ। हमने दो दो बार लूडो खेला। अच्छा। और मैंने उन्हें हराया भी। Oh, my God.
गुंजन क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मैं कब से दरवाजा तोड़ रही हूँ, आज ही कहा है? अरे बेटा आज ही मंदिर गई हुई है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही, तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है इतना? अरे पापा आई को कब से मार रहे और धमकी भी दी है कि वो मेरी आई को मार डालेगा और चाकू भी दिखाया उन्होंने। दादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, इतना बोला जाए उतना करो, बोलो चाकू से गला काट दूंगा तुम्हारा। गुंजन रोती नहीं, शांत हो जा, आप इसको संभालो, मैं जरा देख कर आती हूँ क्या हुआ है। निधि कहाँ है? घर पे नहीं है, कहाँ गई है नहीं पता। पता नहीं मतलब झगड़ा किया था ना तूने उसके साथ, चाकू दिखाया था, धमकी दी थी, सिर्फ धमकी दी थी या सच में जान से मारा था? कहाँ है निधि, सच सच बोल दे। समझ भी आ रहा क्या बोले जा रही है तू? वो खुद से कहीं गई है, मुझे नहीं पता कहाँ गई है। कहाँ चली गई है, कैसे चली गई है? हमारे बीच झगड़ा हुआ, उसने बैग पैक किया और चली गई। देख मैं ये मान सकती हूँ कि वो तुझे छोड़ के चली गई सामान बांध के, पर ये नहीं मान सकती कि वो गुंजन को भी छोड़ के चली गई। फोन स्विच ऑफ है उसका, कहाँ है वो तू बता। छोड़, मैं देखती हूँ, हट। निधि 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 कहाँ है निधि, क्या किया तूने उसके साथ? सच सच बता दे, अगर तूने उसके साथ कुछ किया है ना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुन रहा है तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। झट, पागल है तू, अपने ये पागल बनने कहीं और जाके दिखाएगा। इसका फोन बंद क्यों आ रहा है? हेलो मनीष, मनीष निधि तुम्हारे यहाँ आई हुई है क्या? काजल निधि के लाइफ में जो होता है ना मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, समझी ना, और दोबारा मुझे फोन मत करना, फोन रख। ये गायब वायब नहीं हुई है, छुपके बैठी है, मुझे अलीमनी नहीं देने ना इसके वजह से, और इस नाटक में तू भी शामिल है उसके साथ। अरे तुम दोनों कमीनी हो, कमीनी, समझी क्या? साले जुबान पे ना लगाम दे और संभाल के बात कर, वरना वहीं आके धोऊंगी तुझे। आजा आजा आजा, इधर आ इधर आ। तू हाथ चला ना, मैं जबान चलाता हूँ। हाँ अगर मैंने अपनी जबान खोल दी ना बोलती बंद हो जाएगी तेरी बोलती, समझी क्या? गुंजन बेटा थोड़ा तो खा ले, सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है। गुंजन खाना खा ले बेटा, क्या हुआ? मौसी अर्जुन पापा को फिर से पूछो ना कि आई कहाँ है, उनका गुस्सा कम हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं, अब उनसे पूछो ना आई कहाँ है। बेटा मैं तेरे अर्जुन पापा को काफी बार पूछ चुकी हूँ, उनको नहीं पता तेरी मम्मी कहाँ है, पर तू घबरा मत, तेरी मौसी तेरी मम्मी को ढूंढ के लेकर आएगी। एक मिनट पहले मुझे समझने दीजिए, निधि के हस्बैंड और उसके फैमिली ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट अभी तक नहीं लिखवाई। हाँ पर आप उसकी दोस्त कंप्लेंट लिखवाने आई है। सर निधि का पति पिछले एक महीने से जब से निधि को उसका सच पता चला है मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। सर एक दिन तो हद ही हो गई सर। देखिए मैडम मुझे स्पेशल ड्यूटी पर जाना है, सॉरी, और मैं आपका केस समझ गया, आपकी दोस्त गुस्से में कहीं चली गई है, गुस्सा शांत होगा आ जाएगी, आप घर पे वेट कीजिए। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, सर निधि गायब हो गई है, उसका फोन नहीं लग रहा, मैं उससे कॉन्टेक्ट। हेलो सर, हाँ सर आप उस टाइम पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय,
मेरी दोस्त निधि को गायब हुए आज पूरे 20 दिन हो गए और मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर थक चुकी हूँ, लेकिन PSI बापट मेरी कंप्लेन तक नहीं ली उन्होंने। वो मुझे बोल रहे हैं कि आपकी दोस्त गुस्से में कहीं चली गई। निधि को तलाशने के लिए काजल ने इतना शोर मचाया कि मीडिया के जरिए प्रशासन पर दबाव आया। बात SSP तक पहुंची। सर्किल ऑफिस को मामले में दखल देने के आदेश देने पड़े। स्पेशल जांच टीम गई और आखिरकार 1 महीने बाद काजल तक मदद पहुंची। सर, निधि नौकरी ढूंढते हुए आई थी मेरे पास। उसके साथ उसकी 8 साल की छोटी बच्ची भी थी। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैंने उसे अपने घर पे रेंट पे रख लिया था। और मेरा किचन यूटिलिटीज का बिजनेस है तो मैंने सेल्स गर्ल की जॉब भी दी उसे। पर सर, कुछ समय के बाद निधि फैमिली जैसी बन गई थी। मैंने उसे रेंट लेना बंद कर दिया। हम बहुत क्लोज हो गए थे और उसके कुछ दिनों बाद वो अर्जुन देसाई से मिली सोशल मीडिया पे। वो लोग बाहर ही मिलने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे तो उन्होंने नवंबर में शादी कर ली। सर, शादी के बाद निधि और गुंजन उसकी बच्ची दोनों अर्जुन के घर पे रहने लगे। वहीं पे शिफ्ट हो गए थे जहाँ वो अकेला रहता था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। जनवरी 2nd week के बाद ये सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया सर। सलाम भाभी जान। भाभी जान, मैं आफ्ताब भाई जान का कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप उनसे कह देंगे कि मुझे फोन कर ले। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे हस्बैंड का नाम आफ्ताब नहीं, अर्जुन है। आप उस दिन हमारे घर पर आए थे ना? दुरुस्त फरमाया भाभी जान आपने। आफ्ताब भाई जान ने हमें घर पे बुलाया था जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। आपने क्या नाम बताया? वो अर्जुन, अर्जुन भाई ने। सर, निधि बहुत परेशान थी जब उसने मुझे ये सब बताया। मैंने उसे यही कहा कि शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। ऐसे परेशान होने से अच्छा है कि हम ढंग से पता लगाएं। निधि, क्या ढूंढ रही हो? वो गैस एजेंसी वाला तुम्हारा आईडी प्रूफ मांग रहे थे तो वही ढूंढ रही थी मैं। कबाड़ में रखा है ना? अच्छा, मैं देखती हूँ। ये क्या है? तुम्हारा नाम अर्जुन आफ्ताब है? जी सर, मेरा असली नाम आफ्ताब अंसारी है। तो ये सच है कि तुमने निधि से झूठ बोला था? तुम्हारी असलियत छुपा कर तुमने उसके साथ शादी की थी? जी सर। सर, मैं निधि से बहुत प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था मैं। तो निधि को तुम्हारी जब असलियत पता चली क्या हुआ? सर, वो बहुत गुस्सा थी पर मैंने उसे अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश की। निधि प्लीज मेरी बात तो सुनो। निधि, जाओ मत मुझे, तुम नफरत करते मैं तुमसे, जाओ यहाँ से। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निधि। निधि, मैंने ये सब तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं किया है, ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया है। निधि, मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी असली पहचान के साथ तुम्हारे सामने आता तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। निधि, जिस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे खुशी का दिन था। पहले मुझे भी यही लगता था लेकिन अब लगता है कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मतलब तुमने मुझसे नहीं, मेरे नाम से प्यार किया था? निधि, मैंने कभी तुम्हें या गुंजन को कोई तकलीफ दी है क्या? मेरे नाम ने, मेरी पहचान ने मेरी सारी अच्छाइयों को खत्म कर दिया है। निधि, तुम्हारा पता नहीं है लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार यानी कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम हो और हमेशा रहोगी। निधि, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अर्जुन ने पूरी तरह निधि को अपनी बातों में फंसा लिया था और वो मुझे यही समझा रही थी कि अर्जुन सही था। ठंडे दिमाग से सोचा तो समझ में आया कि अर्जुन सही कह रहा था। मेरे बुरे वक्त में मेरे सगे भाई ने मुझे सहारा तक नहीं दिया। पुंज जैसी डिवोर्सी लड़की जिसकी 8 साल की बेटी है, अर्जुन ने हम दोनों को एक्सेप्ट किया, ढेर सारी खुशियां दी हम दोनों को। और फिर काजल, यही खुशियां तो मुझे चाहिए थी ना। फिर क्या फर्क पड़ता है कि उसका नाम अर्जुन है या फिर आफ्ताब? फर्क पड़ता है बेटा। अरे मामा जी, आप कब आए? तभी जब तुम उसे अपना दुख बता रही थी। देखो निधि बेटा, तुम्हें उस लड़के के खिलाफ 420C का कंप्लेंट डालना चाहिए। बाकी हमारी संस्था है ही तुम्हारी मदद करने के लिए। धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा मैं। नहीं नहीं मामा जी, ये निधि की पर्सनल लाइफ है, इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए। उससे गलती हुई थी, उसने माफी भी मांग ली, मान रहा है तो। गलती नहीं, षड्यंत्र रच रहा है वो लड़का। जिसका संबंध ही झूठ की बुनियाद पे हो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? देखो निधि, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। और देखना, ये सिर्फ एक शुरुआत है, अब आगे आगे देखो वो लड़का कैसे रंग दिखाता है।
ये मामा जी कौन है? सर ये मेरी आई के बड़े भाई है। ये आई के भाई को ही मामा कहते हैं? कोई खास आदमी है क्या? सर रामचंद्र देश पांडे, ये हिंदू सहायता संघ के एक्टिव मेंबर है। सर इनका नेशन वाइज ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो इसकी वजह से ये बिजी थे, वरना मैं इन्हीं की मदद ले लेती। इनके कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। फिर क्या हुआ? सर इसने मामा जी की ना बात सच करके दिखा दी, निधि का जीना हराम करके रख दिया इसने। शाम को मेरे दोस्त आ रहे, मटन बनाना फिर से। अरे तुम्हें पता है ना प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं, नहीं बना सकती हूँ सब। देखता हूँ कैसे नहीं बना। अरे छोड़ो मुझे तुम। अरे मटन बना, चुपचाप। जय गणेश गिरजा सुबन मंगल मूल सुजान। क्या लगा रखा है? ये सब बंद करो, कल से नमाज पढ़ना शुरू करो। मैं नमाज क्यों पढ़ूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, नमाज पढ़ना फर्ज है तुम्हारा। रुको, ये कैसे कपड़े पहना रखे तुमने? इसे ढंग के कपड़े पहनाया करो। गुंजन कल से काजी जी आएंगे, नमाज सिखाएंगे तुम्हें, तो बना दोगे तैयार हो जाना, ठीक है? निधि रोना धोना करके कोई फायदा नहीं है, अभी की अभी अपना गुंजन का सामान बांध, यहाँ पर आ जा, लात मार दे उस कमीने को। मैं नहीं आ सकती काजल, मुझे मुझे कुछ भी करके ना सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी कि मेरी दूसरी शादी मेरी चली गई। निधि दुनिया के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? लगता है उस कमीने को मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। अपना फर्ज, अपनी शर्म हया की बकवास अपने पास रख। निधि और गुंजन को ना दुखी करना बंद कर दे, वरना तेरी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, बचेगा नहीं तू, समझा? सर इसने निधि और गुंजन को खून के आंसू रुला के रखा हुआ था, ये रोज उसके साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था, और वो छोटी सी बच्ची, वो अपनी माँ को बचाने के लिए मदद के लिए मेरे घर आ जाती थी। मौशी, मौशी, बाबाई को बहुत मार रहे, उनने बहुत झगड़ा किया, चलो ना, आई बहुत रो दिए। सर उस दिन भी ना यही हुआ था, वो बच्ची मेरे घर पे आई और मैंने निधि को फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और तब से लेकर अब तक उसका फोन स्विच ऑफ है। सर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इसी आदमी ने कुछ किया उसके साथ। अगर मैंने बिरयानी बनाने के लिए बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया सर मैंने? और गुंजन को नमाज पढ़ना सिखाना, शर्म हया सिखाना, वो इसलिए है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सर अल्लाह ताला की कसम मैंने निधि के साथ कुछ नहीं किया सर, कसम से। उधर कह रहा है ऐसा कि 8 साल की बच्ची झूठ बोल रही है, तूने निधि को चाकू दिखाया था? बोलो जी, चाकू से गला काट दूंगा तुम्हारा। सर गुस्से से हो गया था मुझसे, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने उसे चाकू से मार दिया हो। सर मैं कुछ सच बताता हूँ, इस औरत के मन में ना जहर भरा है। सर मेरी निधि मासूम औरत है, ये उसे भड़काती थी, उसके कान भरती थी, सर इसी की वजह से हमारे झगड़े होते थे, इसी ने किया जो किया। सर मेरी वजह से होते हैं? मैं भड़काती हूँ उसे? तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? बस पुलिस स्टेशन है, बैठो इधर। चुप बैठो। काजल के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले एक बात सोच, निधि का लास्ट लोकेशन तेरा घर दिखा रहा है, तेरा भी लास्ट लोकेशन उसी वक्त तेरा घर ही दिखा रहा है, इसका मतलब तुम दोनों तुम्हारे घर में थे। हाँ फिर भी बोल रहा है निधि कहाँ गई मालूम नहीं? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा, उस दिन निधि तेरे घर पे ही थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ तेरे सामने हुआ, या तो तूने उसके साथ कुछ किया होगा। सिरके इसका घर सर्च करो। चल चल चल। सर मैंने कुछ नहीं किया। गैर धर्म और गैर जाति में शादी से समाज समृद्ध होता है, हमारा संविधान भी इसकी इजाजत देता है, पैरवी करता है, पर हमारे समाज में ही कुछ रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोग इसे आज भी अपराध मानते हैं, वो खुद को कानून और इंसाफ से ऊपर उठकर ऐसे मामलों में सजा तक मुकर्रर कर देते हैं। आफताब अंसारी उर्फ अर्जुन देसाई ने अपने उसी प्यार के खातिर उस प्यार को धोखा दिया जिससे वो प्यार करता था, क्या उसका बताया हुआ कारण सच था या फिर उसकी मोहब्बत और दीवानगी के पीछे कोई गहरी साजिश थी? आखिर वो कहां गायब हो गई, उसे किसने गायब किया, या फिर वो खुद हालात की वजह से छुप गई? यह मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है, क्या वाकई निधि जिंदा है या फिर उसका कत्ल हो गया? पूरे घर की तलाशी लो। किसका फोन है ये? सर ये तो निधि का फोन है। सर मेरा जब निधि से झगड़ा हुआ था ना तो उसके हाथ से गिर गया होगा शायद। गिर गया? हाँ। तूने गिराया? सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। फोन की हालत देखकर लग रहा है तुझे कि तू जो बोल रहा है सच है? हाँ कड़े ले चला इसे। सर मैं सर 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 हमने कुछ नहीं किया सर। पहले वो बहुत अच्छे थे, वो मुझे और आई से बहुत प्यार करते थे, फिर वो भी पहले पापा के तरह आई के साथ बहुत झगड़ा करने लगे। तुम्हारे पहले पापा भी आई से झगड़ा करते थे? हाँ वो जब भी मिलते थे वो आई के साथ झगड़ा करते थे। झूठ बोलती है, तुझे पता नहीं चला?
वो अर्जुन नहीं आफ्ताब है। इतनी कौन सी गर्मी थी यहाँ तुम्हें? ये क्या बकवास कर रहे हैं बच्चे के सामने, कुछ तो शर्म कर। ए, शर्म वरम मुझको मत सिखा, तेरे को जहाँ मुंह मारना है ना मार। मेरी मेरी बेटी का धर्म भ्रष्ट मत कर। और पैसे चाहिए मुझे, एलिमनी के पैसे देना समझी ना, वरना काट डालूंगा। साहब तू भी मजा आएगा, उसने मुझे डिवोर्स दिया है, मैंने उसको डिवोर्स नहीं दिया है, तो एल्युमिनी वही देनी चाहिए ना मुझे। अरे आपका कायदा ही गलत है। निधि के साथ क्या किया? उसका मर्डर किया ना, लाश कहाँ ठिकाने लगाई? अरे नहीं साहब, जब निधि गायब हुई तो मैं सातारा में था। अरे इसको बोलो जाके चेक करे। उसको क्या बोलने का उम्मीद करूंगा? नहीं पर साहब वो क्या है ना, आप मुझ पर शक करने से अच्छा जो निधि को मार सकता है उसको पकड़ो ना। कौन? आफ्ताब? नहीं नहीं आफ्ताब नहीं, वो ये देखिए आप देखो ना, ये देखो ना। वो उसका नाम भूल गया वो। कम पिया करना। काजल? काजल वो उसके खुन्नस में थी ना, अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि वो काजल ने उसको आफ्ताब के साथ शादी कर कैसे करने दिया होगा, क्यों एक्सेप्ट क्यों किया। काजल का उसके साथ अफेयर है? हाँ वो डच्ची लेस्बियन रिलेशनशिप। जब मेरे घर छोड़ के चली गई ना तो वो काजल के साथ रहने लगी, फिर उसका रिलेशनशिप चालू हो गया। तो इसी बात पे मैंने अपने सुरकर वकीलों उनको कहा कि मुझे एलिमनी बढ़ा के चाहिए। मैंने उसको फोटोग्राफ भी दिखाया तो बोलता है ये नहीं चलेगा, और सबूत चाहिए। ये देखिए आप देखो ना, ये देखो आज ना। सर अगर इस बेवड़े रवि की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो पॉसिबल हो सकता है कि काजल ने ही निधि को गायब किया होगा, क्योंकि निधि ने काजल को छोड़कर उस आफ्ताब उर्फ अर्जुन के साथ शादी की थी। सर ये निधि की फोटोज मीडिया में वायरल होने के बाद हर गांव हर शहर के आदमी ने तो उसकी फोटोज देखी होगी, लेकिन अब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? ये बेवड़ा रवि ये काजल और निधि के प्रिंट किए हुए फोटो ऐसे जेब में लेके नहीं घूम रहा होगा, और उसने हमें इंटेंशनली वो फोटो दिखाया, इसलिए बहुत डाउट आ रहा है मुझे इसके ऊपर। एक काम करो विद्या, काजल के स्टाफ से पूछताछ करो, थोड़ा भी डाउट आया ना तो काजल को कन्फ्रंट करना होगा। मैम हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम सिर्फ अपनी नौकरी करना चाहते हैं। देखो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या काजल ने कभी तुम दोनों पर ट्राई किया था? मैम एक बार ट्राई किया था, पर मुझे डर था कि अगर मैंने मना किया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दोबारा कोई ऐसी हरकत भी नहीं की। सर मैंने निधि और काजल का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया है, सर उन दोनों की पोस्ट देखकर लग रहा है कि उस बेवड़े रवि की बात सच हो सकती है। अच्छा बेटा अर्जुन पापा के साथ शिफ्ट होने से पहले आप लोग काजल मौसी के साथ रहते थे ना? हाँ। तो आप दोनों के कमरे एक होंगे, आप मम्मी के साथ सोते होंगे? नहीं आंटी कमरे अलग नहीं थे, शुरू में मैं और आई साथ सोते थे, कुछ दिन बाद मैं और आजी साथ सोते थे और आई और मौसी एक साथ सोते थे। काय बोलूं सर, वो जो काजल है ना हर दो दिन में आती थी और इतनी चिल्लम चिल्ली करती थी ना, अर्जुन को क्या क्या सुनाती थी और हमेशा यही बोलती थी कि निधि तू मेरे साथ चल और मेरे घर में रह। काजल तुझे पता है आज मैंने मेरी पहली सेल की पूरे 3,000 की। थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और उसी दिन से हमारा अफेयर शुरू हो गया था। सर मैंने निधि के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, जो हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ, और सर मैं तो पहले से ही ऐसी थी, पर निधि का ये पहला लेस्बियन रिलेशनशिप था। उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अर्जुन के साथ शादी कर ली थी, और ये तुम्हें पसंद नहीं आया है ना? नहीं सर, मतलब हाँ ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा था, पर मैं हमेशा से निधि की खुशी चाहती थी,
सर निधि जब मेरे साथ थी तब भी उसने बार बार एक ही बात बोली कि उसे गुंजन के फ्यूचर की टेंशन होती है। वो चाहती है उसे माँ और बाप दोनों का साथ मिले। और सर जब अर्जुन निधि को मिला तब मैंने खुद उसे एनकरेज किया। उस वक्त तो तुमने महान बनके उसका हौसला बढ़ाया था, लेकिन जब तुम्हारी ये बात समझ में आई कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती, तुम हर दूसरे दिन अर्जुन के घर जाती थी, उससे झगड़ा करती थी और निधि को तुम ये सलाह देती थी कि उससे अलग हो जाओ। नहीं सर, मैं अर्जुन से अपने लिए नहीं निधि के लिए लड़ा करती थी। अर्जुन क्या, मैं तो निधि के सगे भाई मनीष से लड़ पड़ी थी जब उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए मना कर दिया था। मनीष तो छोड़ो, मैंने उस बिपिन रावत की बैंड बजा के रखी हुई थी जब से निधि के साथ उसने बदतमीजी की थी। बिपिन रावत को, उसने निधि के साथ क्या किया था? कस्टमर था सर। एक दिन निधि उसके पास यूटेंसिल सेल के लिए गई थी और उसी दिन ये देखिए सब, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें सब्जियां डालिए और इस तरह से घुमा दीजिए, दो मिनट में सब्जियां कट के रेडी हो जाएंगी। एक मिनट मैडम, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरी वाइफ का काम है, आप उसे क्यों नहीं समझा देती हैं? आइए प्लीज अंदर आइए, आइए। अरे निशा, निशा, अरे आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बीवी घर पे नहीं है मेरी, घबराओ मत। देखिए मुझे जाने दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे जाना है। कहाँ? अरे कहाँ जाना है? मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे जाने दीजिए। मैं पैसे भी दूंगा तुम्हें। मुझे कोई पैसे, अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। और जब निधि ने मुझे ये सब बताया तो मैंने अपने यहाँ काम करने वाली सारी लड़कियों को इकट्ठा किया और उसके घर जाके खड़े हो गए। सारे? हाँ, बहुत 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 शौक है तुझे नंगा होने का, बहुत शौक है। हाँ उतार कपड़े, चल उतार 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 कपड़े उतार। दे दे, दिखा सबको अपनी मर्दानगी, दिखा। लड़की छेड़ छेड़ लड़की। उसकी कंप्लेन हमने यही इसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी सर। आपके रिकॉर्ड्स में होगी, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। सर मैं निधि से बहुत प्यार करती थी, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, आप जा सकती हो। क्या लगता है तुम्हें? नाटक कर रहे सर। सर अभी को साफ साफ नहीं कह सकते, हो सकता है कि ये अर्जुन से खुन्नस खाई बैठी हो। लेकिन सर बाकी एविडेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसने निधि की हर जगह मदद की, जब उसके साथ कोई नहीं था ये थी, यहाँ तक कि इसने निधि की बेटी गुंजन को भी अपने घर में जगा दी। एक काम करो शिरके, ये निधि का भाई मनीष और बिपिन रावत, पता करो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये निधि को गायब हुए अब एक महीने के ऊपर हो चुका है, आपको लगता है वो जिंदा होगी? मुश्किल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर वो कहीं छुप के बैठी। उसके हमारे पास जो डिटेल्स है उसे तो ऐसा लगता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं थी। लेकिन अगर मर्डर हो चुका है तो उसका मर्डर किसने और क्यों किया, और अगर मर्डर किया है उसकी बॉडी कहाँ? गुंजन बेटा, तेरा पेस्ट्री खाने का मन था ना, देख मैं तेरे लिए पेस्ट्री लेके आई हूँ, खा। ठीक है कर दे, ओके। सर मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं, सर पता चला है कि निधि ने विपिन के खिलाफ कंप्लेंट की थी और 7 फरवरी को दोनों की कोर्ट में पेशी भी थी, लेकिन ठीक 3 दिन पहले निधि गायब हो गई। सर इस विपिन के पास सॉलिड मोटिव है निधि को गायब करने का, ताकि वो कोर्ट ही ना पहुंच सके। गुड वर्क शेखे, उठाओ इसे। सर निधि के साथ क्या क्या बोल, उसका मर्डर किया, बॉडी कांडम किया? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, बस एक छोटी सी गलती हुई थी सर उनपे। रेप करने की कोशिश कर रहा, छोटी सी गलती बोलता है सर? सर सच बोल रहा हूँ सर, अरे बीवी 2 महीने से मायके गई थी सर, अब इंसान हूँ सर, मन कर गया सर। उस दिन सामने से निधि घर पे आई तो काबू नहीं कर पाया सर,
गलती हो गई सर, सर हजार बार माफी मांगी सर, लेकिन वो माफ नहीं कर रही थी सर। मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए पैसे भी देने चाहे सर उसको, ताकि कोर्ट से केस वापस ले ले। लगता तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक, दोबारा पुलिस में देना पड़ेगा तुझे। देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो हुआ उसे भूल जाइए, मुझसे छोटी सी गलती हुई है लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि मेरी जिंदगी खराब हो जाए। मैं बस माफी मांगने आया हूँ, आपको चाहिए तो मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। पैसे का लालच किसे दे रहा, और ये छोटी सी गलती थी तो रुक, तुझे मैं ना फिर से सबक सिखाऊंगी, अब चल हट मेरे रास्ते से। सुनिए सुनिए सर, उसको कितना समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही थी सर। वो ऊपर से उसकी वो पागल दोस्त सर, उसने पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना दिया सर, और वो उसे भड़काती रही सर कि मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। हजार बार उससे माफी भी मांगी, अब के फांसी पे चढ़ जाऊं सर। तू फांसी नहीं चढ़ेगा, तू यहाँ सड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। फिर वो निधि का भाई मनीष, उसका कुछ पता चला? सर विद्या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रही है। निधि और मनीष इतने से थे, तब से जानती हूँ दोनों को। कुलकर्णी भाव जब ऑफिस से आते थे बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले आते थे। अरे वो मनीष बेचारी निधि का हिस्सा उसमें से भी हड़प जाता था। अब आप ही बताओ प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा देगा क्या? वो बेचारी निधि एक दिन आई थी अपना हिस्सा मांगने। अरे तुम्हारे यहाँ दिखी भी ना, जान से मार दूंगा, चल निकल यहाँ से। मैडम मैं क्या किया? अरे मैडम मैडम क्या हुआ, कहाँ लेकर जा रहे इनको? हिस्सा दिलाने तुझे चाहिए? नहीं ना, शांत रह। सर इतने महंगाई में खुद का खर्चा चला पाना मुश्किल है, इसलिए तो बच्चे के बारे में सोचा नहीं है अभी तक। ऐसे में निधि गुंजन को लेके आ गई, पहले तो उसने अपनी मर्जी से शादी बना ली, फिर बोली मुझे डिवोर्स लेना है। खुद का खर्चा चला पाना मुश्किल है, ऐसे में दो एडिशनल लोग मैं कैसे कर पाता सर? इसलिए दोनों को रास्ते में फेंक दिया मरने के लिए? नहीं सर, फेंका नहीं था, प्यार से बोला था। वैसे भी वो काजल के घर रेंट पे रहने वाली थी, वो रेंट से जाने से पहले मैं खुद जाके उसका घर देख के आया, देखा सब ठीक है नहीं है, फिर उसको अलाउ किया वहाँ रहने के लिए। अभी सर आप ही बताओ, इतना सब किया मैंने फिर भी वो आके मुझसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगी, तो क्या करता साहब, परेशान हो गया था मैं। उस दिन जब ये आई वो तो मेरा गुस्सा निकल गया, मी फक्त ओरडलो तिच्या अंगावर साहब, खरं सांगतो। तुला फार त्रास द्यायचे ना ती? हो साहेब। इसलिए तूने उसको मार दिया ना? हाँ बोल। साहब हाँ बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। अगर आपको ऐसे लगता है तो मैं अपना खुद का घर बेच के उसको उसका हिस्सा दे देता हूँ साहब। बिक देगा उसको? उसका हक है उस प्रॉपर्टी पे, कानून पता है क्या तेरे को? माँ बाप के प्रॉपर्टी के ऊपर लड़की का उतना ही हक होता है। हाँ क्या? मुझे नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं ना अभी तक। हाँ मैं जब भी वो वापस आएगी तो उसका हक उसको दे दूंगा। वापस आएगी वो? अब उसकी बेटी गुंजन, उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी वारिस है, समझा? हाँ सर, तुम्ही मनाल तो सर, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा, तो अब मैं जाऊं? क्या भाई के साथ जायदाद को लेकर चल रहा विवाद उसके गायब होने की वजह है, या पहले पति के अहम पर लगी चोट उसके गायब होने की वजह है? इस केस में एक नहीं बल्कि कई संदिग्ध है पुलिस के पास, पर अफसोस की बात यह है कि पुलिस के पास इनमें से किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक यही नहीं पता है कि निधि जिंदा भी है या नहीं। शिर्के, तुम्हें क्या लगता है इन चार सस्पेक्ट्स में से कौन होगा? चार नहीं पांच। सर उस पांचवें सस्पेक्ट की भी फोटो लगा दीजिए बोर्ड पे। कौन है पांचवा सस्पेक्ट? जिससे निधि की फोन पर आखिरी बार बात हुई थी, काजल प्रधान। नहीं सर, मुझे निधि का कोई फोन नहीं आया, अगर आया होता तो मैं तुरंत उसके घर चली जाती ना, उस दिन तो दोपहर को मैं घर पे थी नहीं। सप्लायर के साथ कुछ कमीशन का इशू हुआ था, मैं उसी को सॉल्व करने गई थी। सर मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं था, बैटरी डेड थी, तो मैं इसको चार्जर पे रख के घर पे चली गई थी। और सर जब मैं दोपहर को 3 बजे के आसपास वापस आई तो मैंने देखा गुंजन घर के बाहर बैठी रो रही है। ये रहे तुम्हारे कॉल डिटेल्स। उस दिन तुम्हारे फोन पे निधि का कॉल आया था और तू 2 मिनट तक बात कर रही थी उसके साथ। पर सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो सच बोलो, ये तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारे फोन से किसी और ने बात की थी? सर ये भी तो हो सकता है। क्या
ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता काजल? ताई किसी को कुछ पता चलने से पहले हमें हमें कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा हमें। नहीं करो इंतजाम, नहीं कर सकते तो मैं कर देती हूँ, मैं खोदू गड्ढा। हाँ नहीं, मैं खोद देती हूँ, अभी गड्ढा खोद देती हूँ। गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हो आप दोनों? दोनों का सच मैं पुलिस को जाके बताऊंगी अभी के अभी। चल इसको बताएगी, इसको बताएगी, छोड़ो उसे, मर जाएगी। अरे हटो तुम यहां से, हटो पुलिस को। ये बैग किसका है? बैग निधि का है सर। और ये साड़ी? ये साड़ी भी निधि की है। आपको कैसे पता चला ये? निधि के गायब होने के कुछ दिन पहले मामा जी ने अपने प्लॉट का काम शुरू करवाया था। मैं और निधि वहाँ पर देखने भी गए थे। फिर निधि के गायब होने के कुछ टाइम बाद आई से पता चला कि मामा जी ने प्लॉट का काम बंद करवा दिया है। जितना मुझे याद था उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला था कि शुभ मुहूर्त चल रहा है वरना काम 6 महीने तक टल जाएगा। मुझे इस बात पर शक तो हुआ था पर फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब आपने बताया कि निधि ने आखिरी बार मुझे फ़ोन किया था तब मैंने वही सोचा कि शायद उस फोन पर एक फोन आया और वो किसी ने उठाया। घर जाने के बाद पता चला वो मेरी अपनी आई थी। इन दोनों ने मार दिया मेरी निधि को। निधि और अर्जुन का झगड़ा मैंने फोन पे सुन लिया था। काजल मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब कुछ। निधि बेटा मैं काजल नहीं उसकी आई बोल रही हूँ। काजल बाहर गई है फोन चार्जिंग पे लगा के। लेकिन क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। हटी मैं कुछ दिन के लिए आपके यहाँ आ सकती हूँ? ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना, तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन बेटा मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और वहीं से रामचंद्र भाऊ के प्लॉट पर जाऊंगी, ठीक है? तुम वहीं आकर घर की चाबी मुझसे ले लेना। ठीक है आंटी, मैं आती हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी निधि। मैं जाऊंगी और अभी जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो तुम। मैं देखता हूँ तुम कैसे जाओगी। नहीं जाओगे तुम। निधि का घर हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पे है, मुझे पता था वो तुरंत आ जाएगी, इसलिए मैंने भाऊ को फोन किया और उनको तुरंत प्लॉट पर आने के लिए कहा। आ गए बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। वो आप मुझे चाबी दे दीजिए, कुंजन भी आती होगी बस रास्ते में है। हाँ हाँ मैं देती हूँ। लता घर गई, उसके बाद मैंने निधि की लाश को ढक दिया और उस पर नमक डाल दिया। एक बात समझ में नहीं, आपने उसे मारा क्यों? ताकि हमारी काजल फिर से उस निधि के चक्कर में ना आए। काजल और निधि की लव स्टोरी हमें पता चल गई थी। बड़ी मुश्किल से काजल एक लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। अब निधि के वापस आने के बाद वो शादी के लिए मना कर देती, इसलिए मैंने वो निधि का चैप्टर ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से। सॉरी बेटा, मैं तेरी आई को नहीं बचा पाई। पर अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरी गुंजन अच्छी जिंदगी जिए।
प्यार और परवरिश हर परिवार और माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, जिसका एहसान जताकर वो आजादी से जीने पर बंदिश लगा देते हैं। और जब भी कोई इन बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है तो यही प्यार करने वाले उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। काजल की माँ लता ने यही तो किया। उसके हिसाब से गलत जिंदगी जीने वाली अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने 8 साल की एक बच्ची को अनाथ कर दिया। जब भी असमानता, औरतों पर अत्याचार या भेदभाव की बात करें तो सबसे पहले खुद को आंके, खुद को टटोले। अगर आप बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।